हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीके ट्रेवलर में। और हम शाम के 5 बजे ही संत शिरोमणि गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर पर पहुंच चुके हैं। और सामने देखिए दोस्तों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के दर्शन के लिए श्रद्धालु कितनी लंबी लाइन लगाए हुए हैं। ये लाइन और भी पीछे से है, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। और देखिए रोड भी पूरी भरकर चल रही है, सभी लोग गुरु जी की जयंती मनाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। लाखों श्रद्धालु पंजाब से आए हुए हैं, इसके अलावा देश विदेश से हर कहीं से श्रद्धालु गुरु जी की जयंती मनाने के लिए उनके जन्म स्थान श्री गोवर्धनपुर काशी में आए हुए हैं। दोस्तों, जयंती समारोह कार्यक्रम में हम आ चुके हैं। अब से लेकर पूरी रात तक हम जयंती समारोह का कार्यक्रम आपको दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि गुरु जी की झांकियाँ शोभा यात्रा लगभग रात के 9 या 10 बजे के बाद ही शुरू होती हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को देखते रहिएगा। देखिए सामने गुरु जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, गुरु रविदास जी जयंती 2022 की कई सारी वीडियो हमारे चैनल पर हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर उन सारी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, पंजाब से सेवादार लगभग 15 दिन पहले ही आ जाते हैं और शुरू से लेकर आखिर तक व्यवस्था बनाए रखते हैं। यहाँ पर सेवादार द्वारा इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई रखी है कि आपको लंगर करने में या ठहरने में या दर्शन करने में गुरुजी की कोई भी असुविधा नहीं होगी। दोस्तों, इस वीडियो को अपने रिश्तेदार और परिवार में शेयर कर दें ताकि सभी लोग गुरुजी की जयंती समारोह का कार्यक्रम देख सकें। दोस्तों, हम यही रुके हुए हैं और रात भर चलने वाले जयंती समारोह कार्यक्रम को दिखाते रहेंगे, इसलिए आप भी हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है वैसे ही श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। आप स्वयं देखिए, रोड एकदम श्रद्धालुओं से खचाखच भरी हुई है। गुरुजी का जन्म स्थान मंदिर रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा है। दोस्तों, मंदिर की इस साइड से गुरुजी के दर्शन करने के लिए महिला श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। जैसा कि हमने पहले दिखाया था, दूसरी साइड से पुरुष श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई थी। दोस्तों, आप भी देखिए यहाँ पर श्रद्धालुओं में कितना प्रेम भाव है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है, सभी लोग बड़े शांतिपूर्वक तरीके से जयंती मना रहे हैं और गुरु जी के दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, अगर शोभा यात्रा 10 बजे से पहले आती है तो हम इसी वीडियो में शोभा यात्रा भी दिखाएंगे, वरना गुरु जी की झांकी और शोभा यात्रा की अलग से एक वीडियो बना देंगे, नहीं तो यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। दोस्तों, जो भी हमने पहले गुरु जी की जयंती की वीडियो बनाई है उनको लोग आधी देखकर छोड़ जाते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने समाज में फैले कुरूति और पाखंडवाद को जड़ से मिटाया था। इतने महान और परोपकारी गुरु जी की जयंती साल भर में एक बार मनाई जाती है। अगर आप जयंती समारोह में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं तो कम से कम उनके जयंती समारोह में बनाई गई वीडियो तो पूरा देखें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी लोग झांकियों के आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक से बढ़कर एक खूबसूरत झांकियाँ यहाँ पर निकलेंगी। काफ़ी समय हो चुका है और झांकियाँ अभी तक नहीं आई, सब उन्हीं के इंतजार में बैठे हुए हैं। हमने पुलिस से पता किया और उन्होंने बताया कि भीड़ ज़्यादा होने की वजह से अभी झांकियों को यहाँ आने की अनुमति नहीं है, इसलिए दोस्तों झांकियाँ लगभग रात के 10 बजे के बाद ही आएंगी। दोस्तों, आगे लाउडस्पीकर की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ हो रही है, गुरुजी का भजन चल रहा है, आप सुनते रहिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आपको एक बार फिर याद दिला दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। अभी भी आप लोगों को दर्शन आ रहा है।
दोस्तों झांकियां आनी शुरू हो गई हैं और हम आपको शुरू से लेकर आखिर तक सभी झांकियां दिखाएंगे। देखिए दोस्तों श्रद्धालु कई कई किलोमीटर दूर से नाचते गाते हुए आ रहे हैं। We'll be right back.
दोस्तों सैकड़ों झांकियां आएंगी, लगातार झांकियां चलती रहेंगी। हम आपको शुरू से लेकर आखिर तक झांकियां दिखाएंगे। अभी ये वीडियो काफी लंबी होती चली जा रही है, इसीलिए झांकियों की दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसको भी पूरा देखिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे झांकियों की दूसरी वीडियो में।